नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ऑपरेशन मतलब प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसको, मैट्रिक्स को। तो देखो सबसे पहले हम बात करें किसकी, एडिशन। किसकी बात करें हम लोग, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। हम क्या करना चाहते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं। देखो इधर, एडिशन करने के लिए सबसे पहली कंडीशन कि जो ऑर्डर है किसका, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। ऑर्डर जो होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का वो क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, है ना, तभी उन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है, ठीक है ना। सेकेंड कंडीशन कि किस तरह से ऐड होंगे, कि जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आर एड, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे देखो यार कि मेरे को एक मैट्रिक्स रखा है ए, ठीक है ना, ए बी सी और डी। एक मैट्रिक्स रखा है मेरे पास बी, ठीक है ना, ई एफ जी और एच। देखो अगर मैं पूछूं इसका ऑर्डर कितना है, 2x2, इसका ऑर्डर भी कितना है, 2x2 है, ठीक है ना। अगर मैं बोलना चाहता हूँ ए प्लस बी निकालो, तो देखो सबसे पहली चीज, एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, तभी एडिशन पॉसिबल है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो इनका एडिशन नहीं हो सकता, ठीक है। और देखो किस तरह से ऐड होंगे, इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे क्रॉसपॉन्डिंग समझ गए, ए वन वन और ये क्या है के पास, बी वन वन बोल लो, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ए प्लस ई। ऐसे क्या हो जाएगा, बी प्लस एफ। ऐसे क्या हो जाएगा पास, सी प्लस जी, डी प्लस एच। बात क्लियर हुई कि किस तरह से ऐड होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे देखो इधर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक मैट्रिक्स लिया मैंने बी, -1 2 5 0 1 2, ठीक है। और मुझे क्या करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहली चीज, एडिशन कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो इसका ऑर्डर कितना है के पास, 2x3 है। इसका ऑर्डर भी कितना है, 2x3 है, ठीक है ना। और नया जो ऑर्डर आएगा वो भी कितना आएगा, 2x3 आएगा। जब आप ए प्लस बी कर लोगे, है ना, जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी कितना होगा, 2x3 होगा। अब देखो कैसे ऐड होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो आपस में ऐड जाएंगे, ठीक है ना। 1 प्लस -1 कितना हो गया, 0 हो गया। 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। 3 प्लस 5 कितना हो गया के पास, 8 हो गया। 4 प्लस 0 कितना हो गया, 4। 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। 6 प्लस 2 कितना हो गया पास, 8 हो गया। और मैं पूछो अगर इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर भी कितना है, 2x3 है, ठीक है ना। अब देखो इसी में आपको मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। क्या, किसकी बात करें हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। देखो पहली चीज, ए प्लस बी, जैसे मान लो आप ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, जब आप मैट्रिक्स का एडिशन करते हो तो एडिशन जो होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है ना। एडिशन इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। देखो ऐसे ही अगर मैंने आपसे बोला ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एक बार मैंने ए बी पे ब्रैकेट लगा दिया है, एक बार मैंने बी सी पे ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। समझ गए होंगे कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो आपका एडिशन होता है किसका, मैट्रिक्स का, वो क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। बात क्लियर है, ठीक है ना। ऐसे देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे ही आप जीरो के अंदर, है ना, किसको ऐड कर रहे हो, ए के, तो कितना आएगा, ए ही आएगा। यहां पर जो ये जीरो है, है ना, जीरो मैट्रिक्स है ना, या जीरो बोल लो आप लोग, इस आइडेंटिटी एलिमेंट, ये क्या है आपका,
आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसी के अंदर, कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के अंदर है ना उसी के नेगेटिव मैट्रिक्स को ऐड करो या माइनस ए के अंदर मैं क्या करूं ए को ऐड करता हूं तो कितना आएगा जीरो मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, बात क्लियर है। और जहां पर ये माइनस ए जो है इज है ना एडिटिव इनवर्स, ये क्या है आपका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है आपका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, बात क्लियर है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें सबसेक्शन, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सबसेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब आपको क्या करना है माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए भी वही कंडीशन है कि ऑर्डर जो होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स, बोथ मैट्रिक्स आर सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, कि किस तरह से ऐड होंगे, इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आर सबस्ट्रेक्ट, आप है ना क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। जैसे देखो इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जैसे ये आपके पास ए मैट्रिक्स से रखा था और ये आपके पास बी मैट्रिक्स से रखा था, ठीक है ना, और मुझे क्या निकालना है ए माइनस बी निकालना। चलो मैं आपको बता भी देता हूं यहां पर एक करके, कि जैसे मान लो एक मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 4 1 5, ठीक है ना, और बी मैट्रिक्स रखा है आपको 2 1 0 2 1 5, ठीक है ना, और मुझे क्या निकालना है यहां पर ए माइनस बी निकालना है। ठीक है ना, तो देखो इधर पहली बात दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी सबसेक्शन पॉसिबल है। ठीक है ना, और किस तरह से माइनस होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है ना आपस में क्या हो जाएंगे माइनस होंगे, वन में से टू गया कितना बचा माइनस वन, टू माइनस वन कितना हो गया वन, वन माइनस जीरो कितना हो गया वन, थ्री माइनस टू कितना हो गया वन, फोर माइनस वन थ्री, फाइव माइनस फाइव जीरो। बात क्लियर है। चले नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इसी के अंदर, मल्टीप्लीकेशन विथ स्केलर। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन विथ स्केलर। स्केलर मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट, ठीक है, जैसे अपन के बोल देते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। देखो जब आप किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, देखो कैसे होगा, इफ वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स ए, जैसे मान लो मैट्रिक्स रखा है आपको ए बी सी और डी विथ स्केलर, देन ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी, है ना, के। क्या बोला आपने, जब आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो हर एलिमेंट जो है ना उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने बोला आपसे कि मेरे को इस किसी भी मैट्रिक्स को है ना किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से या स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो कैसे हो जाएगा, के इंटू ए, ए कितना है के पास ए बी सी इंटू डी, ठीक है, तो देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये जो के है जो भी कांस्टेंट है वो क्या होगा हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा के ए के बी के सी और के डी। ठीक है, बात क्लियर हुई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एक मैट्रिक्स रखा है आपका 1 2 3 4, ठीक है ना, और मुझे यहां पर 4a फाइंड करना है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा 4 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा देखो 4 8 4 3 12 और 4 4 16, तो 4a कितना आ गया आपका 4 8 12 16 आ गया। ठीक है ना, अब आता है प्रॉपर्टीज विथ
स्केलर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। कहता है के पास प्रॉपर्टीज विथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। देखो इधर, पहली प्रॉपर्टी है किसी भी कांस्टेंट को आप चाहे a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू ए प्लस के इंटू बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। चले सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, देखो कि जब आप माइनस वन को किससे मल्टीप्लाई करो, a से मल्टीप्लाई करो, है ना, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस a के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो अगर मैं एक और प्रॉपर्टी बता दूं आपको कि जैसे मान लो माइनस के है ना, इसको मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का k a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चले फिर आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। क्या आता है आपके पास, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, जैसे मान लो कि आपके पास एक फर्स्ट मैट्रिक्स रखा है ए, इसका ऑर्डर दे रखा है एम क्रॉस एन। ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर ऑर्डर जो है किसका, मैट्रिक्स बी का। ठीक है ना, वो दे रखा है एन क्रॉस पी। ठीक है ना, सबसे पहले देखो इसकी कुछ कंडीशन है ना, मल्टीप्लाई से पहले उसको आपको समझना पड़ेगा। देखो मल्टीप्लीकेशन जो है किसका, दो मैट्रिक्स का, वो तभी पॉसिबल है ना, तब जब नंबर ऑफ कॉलम जो है किसके, फर्स्ट मैट्रिक्स के, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, सॉरी सेकंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये आपस में इक्वल होंगे है ना, तभी मल्टीप्लीकेशन जो है किसका, दो मैट्रिक्स का, वो पॉसिबल है। ठीक है ना, अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन जो है दो मैट्रिक्स का वो कभी भी नहीं हो सकता। बात क्लियर हुई कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स है ना इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, है ना, देन वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, तभी हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये है ना नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लीकेशन जो है किसका, दो मैट्रिक्स का, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। और देखो नया ऑर्डर जो आएगा किसका, जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका, नया ऑर्डर हो गया। ठीक है ना, जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स, है ना, जो आपका मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, एम क्रॉस पी होगा। कितना होगा, एम क्रॉस पी। बात क्लियर हुई कि मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, है ना। अब ये हट गए आपस में, ठीक है ना, तो नया ऑर्डर कितना आएगा मैट्रिक्स का, एम क्रॉस पी आएगा। कितना आएगा के पास, एम क्रॉस पी। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। अब किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, आपने बस अभी ये सीखा है कि मल्टीप्लीकेशन होगा या नहीं होगा, अब हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इधर कि जैसे मान लो के पास एक मैट्रिक्स रखा है ए, ठीक है ना, जैसे मान लो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, तो देखो इसका ऑर्डर कितना है के पास, टू क्रॉस थ्री है। या के पास एक मैट्रिक्स रखा है बी, ठीक है ना, वन टू थ्री फोर जीरो और वन, अगर हम पूछो इसका ऑर्डर कितना है, थ्री क्रॉस टू है। ठीक है ना, देखो यार ये आपका ए मैट्रिक्स है, ये आपका बी मैट्रिक्स है, मुझे क्या फाइंड करना है, ए इंटू बी फाइंड करना है ना, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो पहली कंडीशन, मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम है ना ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है ना, इक्वल है आपस में तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, पहली बात। ठीक है ना,
अब नया ऑर्डर कितना आएगा पास, 2x2 आएगा, मतलब उसमें दो रो होगी और दो कॉलम होंगे। ठीक है, अब देखो इधर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ही समझेंगे। रो को है ना हम क्या करते हैं, कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। क्या बोला मैंने, इस रो को मुझे क्या करना है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, और तीसरा एलिमेंट तीसरे से। ठीक है ना, और ये सब प्लस होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे, प्लस होते जाएंगे, और एक एलिमेंट बनेगा आपका। क्या बनेगा, पूरा एक एलिमेंट, पूरी रो पूरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी है ना। मल्टीप्लाई कर करके इनको ऐड करते जाओ और क्या बनेगा, पूरा आपका एक एलिमेंट बनेगा। देखो कैसे होगा, पहले पहला एलिमेंट जो है वो पहले से मल्टीप्लाई होगा है ना, वन को वन से मल्टीप्लाई करा वन प्लस है ना, टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री से, टू थ्री जा सिक्स प्लस, थ्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से, तो कितना हो गया, जीरो। बात क्लियर हो गई, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा, फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट। अब इसी रो को है ना, पहली रो को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम से। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, वन को टू से मल्टीप्लाई करा टू, टू को फोर से मल्टीप्लाई करा एट, थ्री को वन से मल्टीप्लाई करा थ्री। बात क्लियर है ना, ये आपका सेकंड एलिमेंट कंप्लीट। ठीक है ना, अब क्या करना है हमारे को, ये कौन सी रो है, सेकंड रो है ना, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। पहले से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला एलिमेंट तैयार हो जाएगा, दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा एलिमेंट तैयार हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, करो मल्टीप्लाई, फोर वन जा फोर प्लस, फाइव थ्री जा फिफ्टीन प्लस, सिक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। ऐसे देखो, अब इस रो को क्या करेंगे, वही कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर टू जा एट प्लस, फाइव फोर जा ट्वेंटी प्लस, सिक्स वन जा सिक्स। तो देखो आगे पास जो मैट्रिक्स है ए बी वो कितना हो गया, सिक्स और वन सेवन, टेन और थ्री थर्टीन, फिफ्टीन और फोर नाइनटीन है ना, नाइनटीन, और ये कितना हो गया पास, थर्टी फोर हो गया। ठीक है, तो आपके पास देखो नया ऑर्डर कितना है के पास, टू क्रॉस टू। क्लियर हो गई बात कि कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको, रो को है ना कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा एलिमेंट तीसरे से, और क्या होगा आपका, एक एलिमेंट तैयार होगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब आता है के पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स है ना मल्टीप्लीकेशन, क्या था के पास, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। देखो यार, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप जब a इंटू बी निकालोगे है ना, इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, a इंटू बी क्या होता है, b इंटू ए के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लीकेशन जो है ना, इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स है ना इज नॉट कम्यूटेटिव, वो क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, देखो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी आती है के पास, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। एक बार ए बी पे ब्रैकेट लगा लिया, एक बार बी सी पे ब्रैकेट लगा लिया। देखो इधर, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, बोलो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लीकेशन जो होता है, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, मतलब मल्टीप्लीकेशन जो है किसका, तीन मैट्रिक्स का है ना, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है ना, बात क्लियर है। थर्ड आता है आपके पास, जब आप किसी भी मैट्रिक्स को ठीक है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को है ना किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तो वो मैट्रिक्स एज इट इज आ जाता है। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। यहां पर जो आई है, आई आई का मतलब क्या है, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, या इसको मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है ना, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है ना, या फिर आप बोल सकते हो मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी भी बोल सकते हो। देखो फोर्थ कंडीशन क्या है, जब आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो, या किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को है ना ए से मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा आई आता है।
किसके इक्वल आता है, आई के इक्वल आता है। बात क्लियर है? चले ऐसे देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के इक्वल होगा। क्या बोला आपने, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ऑर्डर मिसमैच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मल्टीप्लीकेशन है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी आपकी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कौन सा है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।